तो गाइस आज हमारे यहाँ पास है हीरो की ग्लैमर, जो कि काफ़ी बोल्ड हो चुकी है और काफ़ी भारी भरकम वाली लगती है। पीछे आप देख सकते हैं कि जैसा बैकग्राउंड वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीछे टायर हगर वगैरह और यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब हैंडल वगैरह आ गया है। और अब तो इसमें रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा, आप कितना चलाते हैं, कितना एवरेज आता है, सारी चीज़ें आपके डिस्प्ले में जैसा कार में होता है वैसा दिखाने वाला। तो चलिए इसे चला के दिखाने वाला हूँ कि चलने में आखिर कैसी है ये, क्या क्या चीज़ें हैं। आरपीएम मीटर इसमें आ गया है और ये रियल टाइम माइलेज भी आ रहा है और टाइम वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी रेस्टिक हो चुकी है ये ग्लैमर, जो कि ग्लैमर तो आप देखते हैं कि हीरो की बहुत पहले से आ रही है, लेकिन अब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक। और पीछे आपको 100 mm चौड़ा टायर आ गया। तो ब्रेकिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है और कंट्रोलिंग कैसी है, कि अगर आप 125 cc की बाइक के साथ जाते हैं तो आपको हाई स्पीड में कंट्रोलिंग कैसी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कि कैसी है ये वीडियो और कैसी है ये चलने में। तो गाइस हीरो ग्लैमर पे मैं हूँ। ग्लैमर एक बहुत ही अच्छी बाइक रही है और अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी आती है और इस प्राइस पॉइंट में कंफर्ट काफ़ी अच्छा खासा है। मुझे सस्पेंशन का भी, मैं ख़राब रोडों पे चला रहा था तो वहाँ पे सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और जैसे ही एक्सलेट करते हैं ना पावर काफ़ी अच्छी खासी आ गई है इसमें। ख़राब रोडों पर भी इसे आप चलाते हैं तो सस्पेंशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है। बात सबसे पहले बाइक, अगर आप थोड़ी सी महंगी बाइक आप जा रहे हैं मिड रेंज में, हालाँकि बाइक इसे भी महंगी है, लेकिन अगर आप मिड रेंज में महंगी बाइक जा रहे हैं, एक कम्यूटर सेगमेंट में महंगी बाइक ले रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ी सी प्रीमियम बाइक में आती है, थोड़ी सी अच्छी बाइक में। तो हालांकि थोड़े से पैसे भी अच्छे हैं तो कंफर्ट उसके हिसाब से देखा जाएगा कि कंफर्ट भी कैसे हैं इसके। जैसा आप देख सकते हैं कि ब्रेकर पे थी, 3 ठो ब्रेकर थे वहाँ पर, सस्पेंशन का क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा इसके सेगमेंट में। मैंने साइन भी चलाई है या साइन SV भी चलाई है, हालाँकि उसका भी सस्पेंशन अच्छा है, लेकिन उससे मुझे अच्छा इसका सस्पेंशन लगा। जैसा कि ये नई गाड़ी है तो सस्पेंशन थोड़े टाइट रहे, लेकिन यहाँ पे मैं ख़राब से ख़राब रोड पे भी इसे चला रहा हूँ या गड्ढे से गड्ढे में भी मैं कुदा रहा हूँ इसे जानबूझ के, तो वहाँ पे सस्पेंशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। अभी मेरे साथ किलियन भी बैठा था मेरा कैमरा में, तो उस डर भी लगने पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और जैसे ही आप 3000 RPM टच करते हैं, जैसे कि एक गड्ढा है यहाँ पर, मुझे फील ही नहीं कि इतना बड़े गड्ढे में मैं इसे लेके गया। और आप मेरी बॉडी लैंग्वेज में से भी जान सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें कैसा रहता है। तो ये सस्पेंशन की बात कही जाए तो पहले की ग्लैमर में और अभी की ग्लैमर में सस्पेंशन काफ़ी अच्छा खासा है इसमें रहने वाला है। इसमें आप थोड़ा सा LED मीटर वगैरह आ गए हैं, ये थोड़ा सा आपको हुड थोड़ा सा बहुत आगे तक लगता है, थोड़ी सी बड़ी फील होती है। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी अच्छा खासा और रियल टाइम आपको एवरेज यहाँ पर दिखा रहा है। हालाँकि अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज दिखा रहा है, थोड़ी देर चलाने के बाद देखते हैं कि कैसी है ये एवरेज। और जैसा कि फ्रंट में LED लाइट इसमें आ गया है। तो गाइस हाई स्पीड की बात करूं तो अभी एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में मैं 100 तक इसे लेके चला गया था और मेरे कैमरामैन जो बैठे हैं वो स्प्लेंडर पे बैठे हैं, तो स्प्लेंडर कहीं ना कहीं इससे पीछे रह गई बहुत ज़्यादा। तो और उसमें मैं ब्रेकिंग इसकी किया तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी खासी है। हालाँकि मेरे पास रोड थोड़े अच्छे नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता, आगे पीछे ट्रक है, लेकिन ब्रेकिंग इसमें काफ़ी अच्छी खासी है। हालाँकि ये तो मेरे पास ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट है, इसमें डिस्क ब्रेक वाला भी अगर आप लेते हैं और कॉम्बी ब्रेक के साथ आती है, अगर ये ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट का ब्रेक भी अप्लाई होता है, तो वहाँ भी इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी खासी है। हालांकि इसमें ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट में भी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन अगर आप ये भी लेते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी इसकी रहने वाली है ब्रेकिंग। वो मोड वाइज पावर और कम्फर्ट और पावर टू वेट रेशियो इसमें काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है कंपनी ने। हालाँकि अगर आप फ्रंट के भी ब्रेक अगर अचानक से आप दबाते हैं तो ऐसा नहीं कि गाड़ी स्कीड हो जाती, कोई ABS वगैरह इसमें नहीं आता है, लेकिन गाड़ी मैंने बहुत ही टाइट ब्रेकिंग की फिर भी टायर स्कीड नहीं हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा अभी नया टायर है इसलिए स्कीड नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे भी बहुत इसका बैलेंसिंग अच्छा है और बहुत इसकी राइड अच्छी है। 70-80 के बीच में अगर आप चलते हैं अच्छे रोड पर, ख़राब रोड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं रोड पर हूँ अभी सीमेंटेड रोड है, ऐसे भी रोड पर अगर आप 60-70 का स्पीड या 70-80 पर भी अगर आप चलते हैं 4 लेन हाईवे पर, तो आपको कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है इस बाइक में। और अभी मैं थोड़ा सा इस रोड पे जितना तेज़ नहीं चलाना चाहिए उतना तेज़ मैं इसमें चला देता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए। वहाँ पे कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी खासी है, इसके पहले मैं स्प्लेंडर भी चला रहा था, तो स्प्लेंडर के मुताबिक भाई उसका कोई वो मतलब कंपेरिजन नहीं है, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी इसकी कम्फर्टेबल सीट्स हैं या सस्पेंशन है और इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी खासी है। 50-60 के स्पीड में मैं अचानक से सडन ब्रेकिंग कर रहा हूं, लेकिन वहां भी ये मुझे निराश नहीं कर रही है और ऐसा नहीं लग रहा है कि टायर स्किड करेंगे या गाड़ी आप गिर जाएंगे या लेके, ऐसा आपको कहीं से फील नहीं हो रहा है कि आप कहीं से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस गाड़ी को। अगर आप 50-60 के स्पीड में ऐसे सीमेंटेड रोड पर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली, अगर आप एक अच्छे राइडर हैं और अच्छे से बाइक चलाना जानते हैं तो आप गिरेंगे तो नहीं, इतना मेरा दावा है।
तो काफी अच्छी खासी इसकी राइड है और बहुत ही स्मूथ हो गई है। गियर पोजीशन इंडिकेटर मुझे दिखा रहा है, रियल टाइम आपको माइलेज दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें 125 सीसी की बाइक में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पल्सर में या किसी और बाइक में होगी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन और नए सेगमेंट में 125 सीसी की बाइक में आपको ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे मीटर कंसोल पे देखने को मिल रही है ना, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि आरपीएम मीटर एसपी साइन में आता है, लेकिन और ये रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें नहीं उसमें भी आती। तो आपको कैसी लगती है बाइक आप बताइएगा कमेंट में। तो गाइस मीटर कंसोल की मैं बात करूँ तो आप मीटर कंसोल देख सकते हैं कि अच्छा खासा, हालांकि अभी ये नई बाइक है तो इसका मीटर तो चल नहीं रहा है, लेकिन आरपीएम मीटर और यहाँ पे रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाते रहेगी। तो 125 सीसी की बाइक में ये सारी चीज़ें देख पाना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी और कंपनी में आपको ऑफर होगा। तो चलने में काफ़ी कंफर्टेबल ये फील होती है और यहाँ पे रियल टाइम फ्यूल और टाइमिंग और यहाँ पे डेट वाइज सारी चीज़ें आपको दिखा देता है कि जैसे 1 जनवरी यहाँ दिखा रहा है, अभी सेट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देता है 125 सीसी की बाइक में, आपको लगभग 150-160 सीसी का फीलिंग आने वाला और पावर भी काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि रियल टाइम में चलाने पे महसूस भी होता है कि हाँ कंपनी ने जो पेपर में दिया है पावर, वो एक्चुअली में चलाने में भी फील होता है कि चलने में भी वो पावर है। तो आप एक मिड साइड में कम्यूटर सेगमेंट की बाइक देखेंगे तो वहाँ पे आपको ग्लैमर काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा। हालांकि मार्केट में ऑप्शन तो 2-3 ठो और है, लेकिन ग्लैमर ऐसा मुझे लगता है ना, इसकी सस्पेंशन क्वालिटी और इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी की बात भी मैं कर लूँ तो सेगमेंट में मुझे सबसे अच्छे लगे और सबसे बढ़िया लगे मुझे। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं इस प्राइस पॉइंट में, आपको लगभग 1,03,000 रुपये इसकी प्राइस है, 1,03,400 कुछ रुपये इसकी प्राइस है। तो इस प्राइस पॉइंट में ये सारी चीज़ें ऑफर करना मुझे नहीं लगता कि हीरो के अलावा किसी और कंपनी के बाइकों में आपको मिलेगा। तो आपको कैसी लगती है बाइक आप बताइएगा कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।